हरि नाम हरि रसना रटले भजले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय ये हिली न हिली। इस जीवा से बहुत बोलते हो, बहुत विचार करते हो, अब इससे हरि का नाम लीजिए। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। वैराग्य राग रसिक हो पिताजी, अब वैराग्य के रस में रसीले बन जाओ और भवभक्त निष्ठ भक्ति में कदम बढ़ाओ, भगवान का भजन करो, गोपाल जी को सुबह उठ करके नहलाओ, इनको वस्त्र पहनाओ, इनको गोपाल जी को सजाओ, भोग लगाओ और इनकी आरती करो, इन्हीं में मन लगाओ। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। आप लगा के तो देखो मन, फिर तो भगवान तुम्हें सपने में कहेंगे आज मेरे लिए ये भोजन बनाओ, आज मुझे घूमने का मन है। हाँ, हमारे वृंदावन में तो सबके घर में गोपाल जी विराजमान है और आपकी नगरी में भी हमने 100 लोगों से ज्यादा गोपाल जी दिए हैं। आपको भी ये सेवा जल्दी जल्दी करनी चाहिए, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भगवान की निकटता प्राप्त होती है। जिन जिन के घरों में गोपाल जी है वो भगवान से लाड लड़ाते हैं, बातें करते हैं, सुंदर सुंदर प्रसाद बना के खिलाते हैं। तो हम तो भाई वृंदावन से इसीलिए आते हैं कि आप सब लोग भी, आपके घर में एक तो तुलसी माता होनी चाहिए, बोलो तुलसी माता की, एक गो माता की सेवा होनी चाहिए, किसी भी गुरु का आपके जीवन में आदर होना चाहिए। जिसको एक बार आप लोग, जिसके द्वारा आपको एक बार श्री कृष्ण की भक्ति मिल जाए वो आपका गुरु हो गया, चाहे उसे मानो या न मानो। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ज्ञान की शुरुआत किसी भक्त से करी और फिर उसे छोड़ देते हैं और फिर दूसरे को कहते हैं ये मेरे गुरु हैं, क्योंकि वो गुरु प्रसिद्ध तो नहीं थे और किसी प्रसिद्ध गुरु को देख करके उनको कहते हैं ये मेरे गुरु हैं। तो ये गुरु के साथ छल कपट है, इसे सफलता नहीं मिलेगी। जहां से आपको श्री कृष्ण भक्ति मिल जाए, जिस गुरु से, जिस भक्त से, जिस कथा व्यास से अथवा किसी साधु संत विप्र ब्राह्मण से आपको लगे कि हाँ अब हमें कृष्ण की प्रेम हो गया है इनकी वजह से, तो आप समझना वो आपके प्रथम गुरु हैं। अरे संतों ने तो जब उनको गोस्वामी जी को उनकी पत्नी ने दाढ़ चढ़ाई, हाड़ मास की देह मम तामे इतनी प्रीति, याते आदि राम में अवश्य मिटे भवीति, तो कहा देवी तुम मेरी प्रथम गुरु हो जो मुझे राम की भक्ति की ओर प्रेरणा कर रही हो, तुम ही संसार की ऐसी नारी हो जो मुझे काम से बचा रही हो और राम में लगा रही हो, इसलिए प्रथम गुरु तुम हो ही मेरी। तो सज्जनों, माताओं, बहनों, देवियों, जहां से आपको भगवान अच्छे लगने लगे, जिसके सत्संग से, वो आपके गुरु आपको स्वीकार करने चाहिए, भावना रखनी चाहिए। और हरि गुरु निंदा सुने जो काना, हो वही पाप गो घात समाना। ऐसे गुरुओं की कोई बुराई सुने, निंदा करे, तो उसे प्रेम से समझाइए कि भाई सारे धर्मों में सभी अपने अपने धर्मों के संतों, भक्तों, पादरियों और मौलानाओं का आदर करते हैं, तो हम लोग हिंदू होकर के अपने पंडितों, अपने साधुओं संतों का क्यों अनादर कर रहे हैं? सब लोग हम पे हंस रहे हैं, हम लोग हमारी बुराई कर रहे हैं कि देखो हिंदुओं में तो आपसी फूट है भाई, वहां तो कोई अपने संत की आदर नहीं कर रहा है, वहां तो सब अपने ब्राह्मणों को गालियां दे रहे हैं, तो वो लोग हंस रहे हैं। इसलिए ये चीज छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे भगवान नाराज होते हैं। संत गुण गहरी पाए परिहरी वारी विकार, आप तो संतों के गुण लीजिए, आप तो भक्तों की सच्ची बात को ग्रहण कीजिए। हंस एक ऐसा पक्षी है जो जल और दूध को एक साथ मिलाने पर उसमें से दूध दूध पी लेता है, जल को छोड़ देता है। तो आप लोग किसी संत भक्त की निंदा ना करें, कोई अच्छाई हो थोड़ी बहुत। जैसे एक बार
भगवान श्री कृष्ण के समय की बात है। देवताओं में घोषणा हुई, इस समय पृथ्वी पर कौन ऐसा व्यक्ति है जो बुरे से बुरे व्यक्ति में भी बुराई नहीं देखता। तो देवताओं खोजने के लिए निकले सब लोगों में, पृथ्वी पे आए कन्हैया वृंदावन में, लीला कर रहे थे अपने सखाओं के साथ। तो मार्ग में एक कुत्ता जिसको बीमारी लगी हुई थी और वो कढ़ा रहा था, दुखी था, घाव से उस तरह कोई जाना भी पसंद नहीं करता था। ये मैंने संतों के सत्संग से सुना। तो कहते हैं सारे सखा कहे, कन्हैया कन्हैया इधर मत चलो, वहां बहुत पाप आत्मा कोई कुत्ता बैठा हुआ है और उसे देखना भी ठीक नहीं, चलो उधर। बोले अरे तुम्हें उसमें कोई अच्छाई नहीं दिखाई दी, देखो देखो उसके दांत कितने चमक रहे हैं, चम चम चमक रहे। तो देवता ऊपर से देख रहे थे, वाह वाह पुष्पों की वर्षा कर दी, एक मिल गए हमको पूरे ब्रह्मांड में जो बुरे से बुरी चीज में भी अच्छाई देखते हैं, वो है कृष्ण कन्हैया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आप लोग क्या ऐसे नहीं बन सकते, बुराइयों को क्यों देख रहे हो? बुरा जो देखन मैं चला तो बुरा न मिलिया कोई, जो घट देखा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। बुराई तो अपने में देखनी चाहिए, मैं अधम कामी हूँ, क्रोधी हूँ, लोभी हूँ, मोही हूँ, हे प्रभु मैं तेरी भक्ति कब करूंगा, कब मेरा हृदय साफ होगा। मैं तो संतों में बुराइयां खोज रहा हूँ, विप्रों में बुराई खोज रहा हूँ। अपनी कमी भगवान के सामने रखो और सब में अच्छाई देखो, यही मेरे प्रभु का आप लोगों के लिए एक मैसेज है, संदेश है। बोलो राधे 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 राधे। तो पिताजी को कहा क्या त्यागना है पहले श्लोक में और क्या ग्रहण करना है दूसरा श्लोक सुनिएगा। जो ध्यान से ये पूरा सुनेगा उसी को ही समझ में आएगा, और छोटी मोटी आगे बढ़ा करके फॉरवर्ड करके सुनेंगे तो वो पूरा भाव समझ में नहीं आएगा, इसलिए सत्संग पूरा सुनना चाहिए। दूसरा श्लोक गोकर्ण महाराज जी बोले, धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्तम। पिताजी धर्मात्मा बनो, धर्मम भजस्व सततम, एक मिनट के लिए नहीं सतत अब धर्मात्मा बन जाओ और संसार के ये धर्म छोड़ दो, बहुत सारे धर्म है, भाई बहन का धर्म है, पति पत्नी का धर्म है, माता पिता का धर्म है, पड़ोसी पड़ोसी का धर्म है, डॉक्टर नर्स का धर्म है, और जितने भी आप लोग जानते हो, आप मेरे से ज्यादा जानते हो। बोले ये धर्म तभी सफल होंगे जब इन धर्मों के बीच में आप मेरे गोविंद को बिठा दोगे। भाई कहे भैया में कन्हैया है, कन्हैया कहे बहन में कन्हैया है, बेटा कहे माँ बाप में कन्हैया है, तो मैया भी अपने छोटे से लाला को कृष्ण रूप बनाकर कहे मेरा लाला कन्हैया, कहती है ना कभी कभी जन्माष्टमी को बहुत सी माताएं अपने छोटे छोटे बच्चे को कन्हैया बना लेती हैं। तो वो वृंदावन का भाव आपको अपने मन में लाना पड़ेगा, तभी आप भक्ति से रसीले होंगे, नहीं तो भैया भक्ति बहुत दुर्लभ है। और सेवा से साधु पुरुष, कहीं साधु भक्त लोग उनकी सेवा में लग जाओ जाकर, सही काम तृष्णा अपनी समस्त कामनाओं को हटा करके। श्री राधे श्री राधे, समस्त कामनाओं को हटा करके भगवान की प्राप्ति की कामना जगाई। जय श्री राधे श्री कृष्णा। और अन्य से दोष की गुण चिंतन मास मुक्त वालो, वही बात आ गई जो भी थोड़ी देर पहले बताई, लोगों के अंदर दोष देखने बंद कर दो। पिताजी काहू को सुख दुख करिदाता निज कृत कर्म भोगते ही भ्राता। ये लक्ष्मण गीता है, लक्ष्मण जी बता रहे हैं, किनको बता रहे हैं? रामायण में बता रहे हैं, निषाद जी को बता रहे हैं। जब निषाद जी कहते हैं कि
मेरे प्रभु को किस कर्म के कारण यहाँ आना पड़ा। बोले ये तो निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण को पार है और संसार में संसारी लोगों को अपने कर्मों का भोग मिलता है, निज कृत कर्म भोग नहीं जाता। मेरे प्रभु अपने कर्मों का भोग नहीं भोग रहे, ये तो लीला कर रहे हैं, समाज को दिखा रहे हैं कहां पे क्या दुख होता है। अन्य से दोस्तों चिंता, बोले दोस्तों देखो ही नहीं, गुण भी मत देखो। हमने तो अभी बोला कि गुण देखो, कौन से गुण नहीं देखने चाहिए। बोले बड़प्पन के, देखो इसके यहाँ मोटरसाइकिल है, हमारे यहाँ तो साइकिल है, और वो माथा पकड़ के बैठ जाएगा, स्पर्धा आ जाएगा। बोले इसका घर तो इतना बड़ा, मेरा छोटा सा घर, भगवान को दोषी ठहरा देगा। तो ऐसे गुण भी नहीं देखने जो माया में डाले, गुण तो देखने हैं। भक्ति कितनी है, शांत कितना रहता है, क्रोध नहीं करता है, समाज की सेवा कितनी करता है, भूखे को भोजन कराता है, ये गुण देखने। बोलो राधे 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 राधे। चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो निद्रां प्रभवतो, और सेवा करो। बस पिताजी ये मेरा संदेश है। कहते हैं पिताजी ने बात मान ली और एवं सुतोक्ति वशतो विग्रहम विहाया यातो वनम स्थिर मतिर गति षष्टि वर्ष युक्तो हरे अनुदिनम परिचरियासु श्री कृष्ण मापनीयतम दशमस्य पाठा। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के पाठ से आप लोग भी करो लाकर के पाठ, वन में जाकर के पाठ किया, भागवत ही भागवत, भागवत ही भागवत करके तो देखो श्री कृष्ण आ गए। हे आदिदेव देखो मैं आ गया। अभी हमारे प्यारे से भागवत आचार्य पंडित परम पूजनीय श्याम सुंदर, डॉक्टर श्याम सुंदर पारासर जी ने अपनी आप बीती बताई। उनको कोरोना हो गया था, मध्य प्रदेश में गए तो वहां चेकअप कराया तो कोरोना पॉजिटिव निकले और वहां एडमिट हो गए, लेकिन कमजोरी आती है भाई, तो बाथरूम करने के लिए उठे तो वही गिर पड़े, इतनी कमजोरी आ गई। जैसे जैसे लड़खड़ा करके वो उठे अपने बेड पर गए तो वहां उन्होंने देखा श्री कृष्ण आए, क्योंकि पंडित पूजनीय डॉक्टर श्याम सुंदर पारासर जी वृंदावन वालों का जीवन बहुत ही सात्विक है, सारे संत उनकी कथा को सुनते हैं, आप लोग भी सर्च करके सुन सकते हैं। उनका जीवन बड़ा निर्मल पवित्र है और बड़े ही सबका आदर करते हैं, चाहे कोई करोड़पति हो चाहे रोड़पति हो, किसी को भी वो द्वेष और राग से नहीं देखते, भगवत स्वरूप जानते हैं। तो उनका यूट्यूब पे वो स्वयं आत्मसंस्मरण पड़ा हुआ है, आप लोग सुन सकते हो, भागवत कल्पक ध्रुव सर्च करके, तो उसमें वो बैठे हैं अपने आसन पर और वहां बता रहे हैं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। गोपाल जी आए और बोले क्यों पारासर जी अब चलोगे। बोले कहां प्रभु। बोले समय पूरा हो गया आपका, ये कोरोना बीमारी लगी है ना, इससे तुम्हारा शरीर छूट जाएगा। तो श्याम सुंदर जी कहते हैं कि प्रभु ने मेरा शरीर में से मेरी आत्मा बाहर निकाली तो मुझे हल्का हल्का फूल जैसा शरीर लगा और सारे दुख मेरे चले गए, जो पीड़ा थी ना शरीर की। बोले बताओ क्या करना है। तो श्याम चंद्र जी कह रहे हैं मैंने कहा प्रभु अभी तो मेरा साधन अधूरा है। बोले तुम्हारी जैसी इच्छा, अगर चलना चाहो तो तुम चलो साथ में और नहीं तो फिर इसमें ही शरीर में रह करके जो भी ध्यान भोजन है अपने वो मनोरथ पूर्ण करने करो। लेकिन जब आत्मा उनकी निकाल दी तो बोले अब क्या होगा। बोले अब क्या होगा, जैसे गठरी में बांध रहे हैं और कोरोना पॉजिटिव वालों को डॉक्टर, ऐसे ऐसे भी बांध देंगे तुम्हारे शरीर को, क्योंकि छूना तो मना है, परिवार देने वालों को तो छूट भी नहीं है। तो ये संस्मरण उन्होंने बताया, फिर भगवान ने उनको वापस उस शरीर में डाला और स्वस्थ किया। मेरे कन्हैया ने अभी का ये ताजा ताजा उदाहरण है। तो उन
गोविंद की शरण में हो जाइए, कभी भी संतों की बुराई ना कीजिए, किसी की बुराई ना करें। क्यों नहीं? क्योंकि भागवत में लिखा है पर निंदा सब अग्ना गिरीशा, पराई निंदा के समान कोई पाप नहीं है। गुण गाइए, गोविंद की गुण गाइए। तो जिस प्रकार से आत्मदेव ने आज भागवत के द्वारा श्री कृष्ण की प्राप्ति की, उसी प्रकार से सभी भागवत में लगे भगवान को भक्ति देंगे, शक्ति देंगे और सुमति देंगे। इसी संकल्प के साथ आज की कथा का यहाँ विश्राम, और सभी भाइयों को जो कथा में आना चाहते हैं उनके लिए फिर से निवेदन है, अभी लॉकडाउन लगा है तो जब तक सरकार की गाइडलाइन नहीं आ जाती तब तक कोई भी यहाँ आने का कष्ट ना करे, ना ही पता लगाने का कष्ट करे कौन से गली में, कौन से मोहल्ले में, कौन से शुक्ला जी की यहाँ कथा हो रही है। हाँ, इतना जरूर है, बस आप इतना कष्ट उठाएं, YouTube के माध्यम से जो ये लिंक मिलता है उसको देखें, सुने और उनको सुनाएं, और दास पर कृपा करें, अगर अच्छा लगे तो लाइक दे दें। कल एक भक्त ने डिसलाइक दिया, ना पसंद है, उन्हें पसंद नहीं आई, हम उनके भी आभारी हैं। आपने कम से कम देखा तो सही, तो जो चीज पसंद नहीं है उसे आप कमेंट में लिखें ताकि हम अपनी गलती सुधार सके। बोलो राधे राधे। आइए चलते चलते एक छोटा सा भजन पुष्प के माध्यम से प्रभु के चरणों में अर्पित करूंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, बोली हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं तेरे द्वार पे आया हूँ हार के, मुझसे नजरे चुराने की कोशिश न कर। मैं तेरे द्वार पे आया हूँ हार कर, मुझसे नजरे छुपाने की कोशिश न कर। थामा थामन तेरा मैंने श्याम प्रभु, मुझसे दामन छुड़ाने की कोशिश न कर। मैं तेरे द्वार पे हरी शरणम, अब मेरी हंसी नहीं लेकिन ये तेरी हंसी है, मैं तो तेरी शरण में हूँ बस। सब सुख दोष और तू ही है, मैं तेरी शरण हूँ। हरी शरणम राधा नाम की दुहाई है। शीश आगे झुका तेरे द्वार पे, खाए धोके तेरे संसार से, तूने गर ना सुनी सरकार मेरी, जान दे तू यही नाम ले के तेरा, तू मुझे आज माने की कोशिश न कर। मैं तेरे द्वार पे आया हूँ हार कर, मुझसे नजरे चुराने की कोशिश न कर। मैं तेरे द्वार पर आया हूँ हार कर, मुझसे नजरे चुराने की कोशिश न कर। बोलो हरी संतों की रक्षा हो, संतों की निंदा बनो।
मिटा थोड़ा दिल भी मेरा तेरे संसार में तू इसे भुलाने की कोशिश ना कर मैं तेरे द्वार पे आया हूँ हार कर मुझसे दामन छुड़ाने की कोशिश ना कर मैं तो हार के आया किसी को तो हमारी वीडियो भी पसंद नहीं लाइक नहीं डिसलाइक कर देते हैं एक नहीं है अब कितना हारा हुआ व्यक्ति क्या तू मेरा नहीं करेगा मुझको इस संसार में कोई मेरा नहीं तू तो बन जा मेरा मैं तेरा गुणगान गा रहा हूँ एक नहीं है तेरे हाथ में है बाजी मैं तो जैसे तैसे इस कोरोना के टाइम में सेवा कर रहा हूँ नहीं तो कौन कष्ट उठाता है अपना लेते खाए पिए मौज करे इधर उधर की बातें करे क्या जरूरत है इतनी जोर जोर से बोलने के लिए तो सब लोग बहुत से लोग डिसलाइक कर देते हैं पता नहीं क्यों करते हैं किस बात से चिढ़ते हैं इस दास से मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है तो आप कृपा कीजिएगा कोई अच्छी बात लगे तो थोड़ा उसको पसंद करनी चाहिए हम सब भगवान के दास हैं एकता बनाइएगा जब हम ही आपस में एक दूसरे के एंटी बनेंगे तो फिर एक दिन सब खत्म हो जाएगा तो इसलिए सनातन धर्म की जय जयकार करनी है सारे भाई आपस में एकजुट हो जाइए प्रभु के गुणगान में लगिए और जो प्रभु के गुणगान में लगा हुआ है उसका समर्थन कीजिए उसका साथ दीजिए इसी भावना के साथ साथ जय श्री कृष्णा जय श्री राधे